सिक्किम को पूर्वोत्तर का पहला सेंसर आधारित अग्रिम भूस्खलन चेतावनी प्रणाली यानी सेंसर्स बेस्ड एडवांस लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम मिल गया है। उत्तर पूर्व हिमालय में दार्जिलिंग बेल्ट प्रमुख भूस्खलन स्थलों में से एक है। नई चेतावनी प्रणाली में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग कर परिष्कृत सेंसर के साथ पूरे राज्य को कवर करने की क्षमता है। सिक्किम में 4,895 स्क्वायर किलोमीटर भूस्खलन प्रवृत्त इलाका है, जिसमें से 3,638 स्क्वायर किलोमीटर में लोगों का निवास है, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे हैं। सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहल पर इस प्रणाली को इंस्टॉल किया गया है। इसे अमृत विश्व विद्यापीठम के वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर में है। इसका फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन हम लोग कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट के साइड से हम लोग ने उनको कंट्रोल रूम दे रखा है, जो वहां पे उनका इंस्टॉलेशन है, और हमने इनके पास सोलर पावर सिस्टम था, तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब हमको इलेक्ट्रिकल बैकअप चाहिए, क्योंकि ये तो रियल टाइम डाटा तो 24 आवर काम करना चाहिए। अगर ये बादल हुआ, फिर कुछ ट्रीज के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो हम स्टेट से इलेक्ट्रिकल पावर बैकअप सिस्टम इनको दे रहे हैं। जीओसी 101 लेफ्टिनेंट जनरल डीएस आहूजा ने शिलांग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर और 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से 60 साइकिल सवारों को झंडा दिखाकर विदा किया। इन साइकिल सवारों में 58 जवान और 2 अफसर शामिल हैं। शिलांग के राइनो म्यूजियम से शुरू हुई यह साइकिल रैली एक महीने में 2,200 किलोमीटर का सफर तय करेगी, यानी रोजाना 80 से 100 किलोमीटर तय करना होगा। करीब एक महीने बाद 27 अक्टूबर को यह रैली दिल्ली पहुंचेगी और इंडिया गेट में जाकर थम जाएगी। रैली के शुभारंभ से पहले लेफ्टिनेंट जनरल डीएस आहूजा ने साइकिल सवारों को बधाई दी और कहा कि साइकिल रैली का आयोजन हमारे लिए गर्व की बात है। मीडिया से बातचीत में सैन्य प्रवक्ता और पीआरओ विंग कमांडर रत्नाकर सिंह ने कहा कि रैली का आयोजन लोगों में जागरूकता फैलाना है और लोगों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। This cycling expedition rally, which is an adventure activity taken up by the 101 area, the units of the Assam Regimental Center and the Gorkha Regimental Center who are here in Shillong, they have taken up about two officers and 58 jawans. They are there in the team, and this rally will culminate at Delhi on 27th of October, and they will be flagged in by the Chief of Army Staff General Rawat. En route they will cover about 2000 kilometers to Delhi with traveling about 100-200 kilometers per day. सिक्किम में आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर महीने तक पर्यटकों का अधिक आगमन होता है, लेकिन इस साल समय से पहले ही सिक्किम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। राजधानी शहर गंगटोक में इस बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सिक्किम में साल में 2 बार पर्यटकों का आगमन होता है। पहला सीजन मार्च से मई महीने तक चलता है, जबकि दूसरा सीजन अक्टूबर से दिसंबर महीने तक। सालाना यहां 15 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। इस सीजन में सरकार ने 20 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया है और इस बीच 13 लाख पर्यटक आ चुके हैं। ज्यादातर होटल भी बुक हो चुके हैं। आने वाले सालों में पर्यटकों की संख्या और अधिक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अब यहां पाक्योंग हवाई अड्डे का संचालन भी शुरू हो गया है। Yeah, it's very cool and very pleasant. Many of them say that Queen of the Himalayas. I feel very nice. Actually, Chennai is very hot. I feel very cool here. So foggy and a little bit slightly rain. I feel very comfortable and feel very pleasant. It's very good to be here. Yeah, we just now started our trip, so it's going good. Tomorrow we're going for some. We plan for some places, so hoping that we enjoyed. Chennai is so hot. Everyone knows Chennai is so hot. So like even now Chennai is so winter, right? So we just came to enjoy over here. भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च प्राधिकरण ने उन्हें खेलों पर अधिक ध्यान देने का आदेश दिया है। इसी के तहत मंगलवार को सिपाहीजला जिले के अंतर्गत गोकुल नगर के बीएसएफ मुख्यालय परिसर में इंटर कमांड वुमेन्स एथलेटिक कंपटीशन का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के अलावा इस प्रतियोगिता में मेघालय, गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की महिला सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन बीएसएफ के आईजी हेमंत कुमार लोहा ने किया।
48 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस तरीके की खेलकूद की प्रतियोगिताओं से लोगों को पता चले कि स्पोर्ट्स कितना जरूरी है लाइफ के लिए। और BSF ने स्पोर्ट्स में बहुत काम किया है, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी BSF के बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्स को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। तो एक हमारी वो स्कीम भी है जहाँ पर हम लोग एक बॉयज़ एंड गर्ल्स की स्पोर्ट्स कंपनी रेज करेंगे। तो वो लोग बेसिकली बच्चे होंगे 12 साल से लेकर 15 साल तक के, और जो जो स्पोर्ट्स में वो लोग महारत हासिल रखते हैं सिविलियन के बच्चे, तो एक कंपनी मैंने त्रिपुरा फ्रंटियर में रेज करने का प्रस्ताव भेजा है। एक कंपनी में 120 बच्चे और बच्चियाँ होंगी।